हिमाचल प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने महंगाई को लेकर सदन में जमकर हंगामे के बाद बैक आउट कर दिया। प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेसियों ने नारे लगाने शुरू कर दिए थे। कांग्रेस ने कहा कि इन्वेस्टर मीट बहाना था, इनका इरादा हिमाचल को बेच खाना था। इस दौरान प्याज की मालाएं पहनकर विपक्ष ने सदन में नारेबाजी भी की। हिमाचल प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने महंगाई को लेकर सदन में जमकर हंगामे के बाद वॉक आउट कर दिया। प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेसियों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। कांग्रेस ने कहा कि इन्वेस्टर मीट बहाना था, इनका इरादा हिमाचल को बेच खाना था। प्याज की मालाएं पहनकर विपक्ष ने सदन में नारेबाजी की। कांग्रेसियों ने बेल के भीतर बैनर और पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने इस पर आपत्ति जताई और शांति बनाए रखने के लिए कहा, लेकिन इसके विपरीत विपक्ष ने नारेबाजी जारी रखी और बीजेपी पर महंगाई लाने के आरोप लगाए। इसी बीच विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि युंगाड़ा के विदेश दौरे पर था तो मैंने सोशल मीडिया में एक रिपोर्ट में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का बयान सुना, जिसमें कहा गया है कि मैं वहां चुनाव प्रचार करने गया था, जो सरासर गलत है। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त चला है छोटे ब्रेक का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी प्रदेश की गतिविधियां।